देश का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसी मंशा के साथ देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर दिया गया, जिससे काफी सकारात्मक परिणाम भी सामने आए थे। लेकिन बदलते परिवेश के साथ अब डिजिटल शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे, इसी मंशा के साथ उत्कर्ष क्लासेस एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सोमवार से जोधपुर संभाग के करीब 5 लाख बच्चे उत्कर्ष डिजिटल ऐप के जरिए डिजिटल शिक्षा से जुड़ेंगे। दरअसल प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का पर्याय बनने के बाद उत्कर्ष क्लासेस ने अब देश के विद्यार्थियों की नींव मजबूत करने के लिए स्कूल डिजिटल शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाया। उत्कर्ष क्लासेस एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की गई है। उत्कर्ष क्लासेस के निदेशक निर्मल गहलोत ने बताया कि वर्तमान में डिजिटल शिक्षा का जमाना है और युवा पीढ़ी को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें कई आधुनिकतम फीचर जोड़े गए हैं। वहीं संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा ने उत्कर्ष की निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा के पोस्टर का विमोचन किया। समीर शर्मा ने कहा कि उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से बेहतरीन निर्णय लिया गया है और इसके माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चे भी घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकेंगे। ये सोमवार 21 तारीख से हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे सीबीएसई राजस्थान बोर्ड के, उनके पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ, ई नोट्स, टेस्ट, क्विज इत्यादि सब कुछ सुविधा रहेगी। कुछ दिन पहले मुझे माननीय संभागीय आयुक्त जी डॉक्टर समीर शर्मा जी से मेरी बातचीत हुई थी और आपने चला के कहा कि अपने जोधपुर संभाग के जो खासतौर से सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो कि उन कोर्स के इसको खरीद नहीं सकते हैं और अभी कोरोना काल के अंदर वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से वो सुविधा उपलब्ध हो। तब मैंने सर को आश्वस्त किया था कि जब मैं स्कूल का ऑनलाइन कोर्स ये लॉन्च करूंगा, तब हमारे जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जोधपुर संभाग के जो प्रतिभागी हैं, उनको इस शैक्षणिक सत्र में एकदम निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, इसमें दो तरह के फोन आते हैं, तो iOS वाले फोन आते हैं और एंड्रॉइड फोन आते हैं। भारत में एंड्रॉइड फोन कॉमन है, 95% से ज्यादा यूजर्स हैं वो एंड्रॉइड फोन यूजर्स हैं। स्पेशली जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके पास एंड्रॉइड फोन है। एंड्रॉइड फोन में ये क्लासेस है आसानी से देखी जा सकेंगी और बच्चे लाभान्वित इससे हो सकते हैं। इसमें जो लाइव क्लासेस होंगी उसका समय ऐसा रखा गया है, क्योंकि देखिए जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं उनमें माता या पिता के पास होता है एक के पास ही फोन, तो वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था, तो इन्होंने लाइव क्लासेस का समय रखा है वो 4 से 7 बजे का, दोपहर का, शाम का समय रखा है, जिससे बच्चे उसको अध्ययन कर सके। अगर कोई किसी बच्चे की क्लास मिस हो जाती है तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी उसको बाद में सुन सकता है। तो मैं समझता हूँ अभी कोरोना काल में बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। आवश्यकता है वो हम पूरा इनको सहयोग देंगे। विद्यार्थियों के टेलीफोन नंबर और उनकी जानकारी जो है वो हम शीघ्र ही इकट्ठी करके और आप तक पहुँचाएंगे। जोधपुर संभाग के लगभग 17-18 लाख बच्चे जो है वो इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।